1994 में मेरे ग्रैंडपा ने ये मूर्ति बनाई थी, अभी भी ये वैसी की वैसी है। और ये गणपति की मूर्ति इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाई थी, नो यूज ऑफ POP एंड इट इज़ ओनली मेड ऑफ शेडो मड। अब हम गांव में है तो आज का स्पेशल मेनू होगा मेरे मामा के हाथ की खोबर कड़ी। सो आज मेरी माँ और मेरी आत्या बहुत ही खुश होगी क्योंकि आज का दिन खाना बनाने के लिए उनको रेस्ट होगा। सो वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू गाइस आर फीलिंग फाइन। फर्स्ट टाइम हम खोबर कड़ी खा रहे हैं। सो अब हमने पहले कभी भी उसे टेस्ट नहीं किया है, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि कब वो बनेगा और कब वो हमें टेस्ट करने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंडमा भाकरी बना रही है चूल्हे के ऊपर भाकरी। कड़ी बनाने में जो सामग्री लगता है वो सब यहाँ पर रखा है, विलायची, बड़ी विलायची, छोटी दालचीनी, चक्री फूल, शाही जीरा, दगड़ी फूल विथ मेथीचे दाने, दालचीनी, शाही जीरे, तेजपत्ता, काली मिरे, लौंग, लसून, अदरक। गरम मसाला प्रॉपरली फ्राई करके हो गया है, बहुत ही बोल्ड इसकी खुशबू है और ऐसे पूरा घर भर फैल गई है। जो गरम मसाले फ्राई किए थे वो अब सब पीसेंगे ग्राइंडर में, मिक्सर के डब्बे में ठूस ठूस कर डाल रहे हैं। एकदम ऐसा पाउडर पाउडर रहता है वैसा पाउडर पाउडर हो गया है पूरा। खोबर को लाल होने तक भून के लेने का है। इस तरह से लाल होने तक इसे भून लेना चाहिए। भुने हुए खोबर को मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। फाइनली भुना हुआ खोबर पीस लिया है। दालवा को पीस रहे हैं। दालवा को सॉलिड स्टेट से सीधा पाउडर स्टेट में इन्होंने डाल लिया है। पूरा उसका पाउडर ही बन गया है। अदरक लहसुन और कोथिंबीर ये तीनों मिक्स करके पेस्ट बनाया है। अदरक लहसुन कोथिंबीर पेस्ट मास्टर शेफ ने राउंड अबाउट सब कुछ ग्राइंड कर लिया है। अभी थोड़ा सा ही बनाना बाकी है। हमारे मास्टर शेफ है मेरे मामा। ऑलमोस्ट चूल्ही के ऊपर के भाकरी तैयार हो चुके हैं। अभी मुझे भी एग्जैक्टली नंबर पता नहीं है, तो चलिए अब चलते हैं और काउंट करते हैं।
चुलीवरची भाकरी कमीत कमी 30-35 तर केलाच असतील नक्कीच. अद्रक और लसूण मिक्स चटणी अब डालने वाले है. चटनी का कलर पूरा सुनहरा हो गया था तो अब उसमें उसमें अब पीसा हुआ खोबर डाल रहे हैं. कलर कितना सुपर दिख रहा है. ऑलमोस्ट 80% इज डन. खुशबू घर पर फैल गई है और बहुत ही सुपर टेस्ट आ रहा है. तो वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड टू टेस्ट द कोकोनट कड़ी. खोबरे की कड़ी के साथ अब जीरा राइस भी बना रहे हैं. सॉरी, जीरा राइस नहीं है, अदरक लहसुन राइस है. आप रेड, हम पहली बार अदरक लहसुन राइस टेस्ट करेंगे. हमारे मामा स्पेशल मेनू बना रहे हैं. गांव में आने का यही तो फायदा है. गांव में आने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो बढ़िया और न्यू खाने को मिलता ही है. ये तो फायदे होते हैं, इसलिए तो मुझे ज्यादा गांव आना पसंद है. फुटाने का आटा अब कोकोनट कड़ी में डाल रहे हैं. बहुत देर बाद मुझे टेस्ट करने को दिया है तो अब मैं इसे चखूंगा. बहुत ही स्पाइसी है. बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी है. एवरीथिंग इज नाइस. मुझे ये कड़ी बहुत पसंद आई और कड़ी लगभग 95% बना के हो गया है और 5% बचा है. तो अभी वो 5% भी कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद हमें हमारा नारियल का कड़ी सर्व करने को मिल जाएगा. फाइनली कोकोनट की कड़ी बना के हो गई है. अदरक लहसुन राइस भी 100% रेडी हो गया है. फ्रेंड्स, ये है आज के मास्टर शेफ और मेरे मामा. आज इनके हाथों का हमें खोबर कड़ी खाने को मिल रहा है और ये बहुत ही सब्जी बनाते हैं. ब्रिंजल, सोयाबीन, भोकरी वरण और नारियल की कड़ी. सो ये बहुत अच्छा बनाते हैं और इंटरेस्ट के साथ बनाते हैं. अदरक लहसुन राइस भी बहुत बढ़िया बनाते हैं. सो आज हमें मौका मिला है इनके हाथ का राइस और खोबर कड़ी खाने का. खोबर कड़ी फाइनली ऐसा बन गया है और ये है अदरक लहसुन राइस, ये भी फाइनली 100% हो गया है. अब थोड़ी देर में हम पूरा फैमिली खाने को एंजॉय करने वाले हैं. फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम
अपना स्पेशल मेनू टेस्ट करने वाले हैं, खोबरा की कड़ी अदरक लहसुन राइस। हमारा खाना खाके हो गया है, सो अब हमारा हमने पेट भर के खाना खाया। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है ब्लॉग एंड करने का। ब्लॉग एंड करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो खोबर कड़ी थी वो बहुत ही टेस्टी बनाई थी और बहुत लिमिट में स्पाइसी थी। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।